श्रावस्ती 4 करोड़ की चरस के साथ 3 युवक हुए गिरफ्तार। श्रावस्ती जिले की स्पेशल पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी। एसपी के निर्देशन में गठित टीम ने मलिपुर से 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए युवकों के कब्जे से करीब 4 करोड़ रुपए की चरस के साथ देशी तमंचा और बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एएसपी बीसी दुबे और मलिपुर सीओ हौसला प्रसाद रात्रि गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें नानपारा की तरफ से 3 युवक बाइक पर आते हुए दिखे। पुलिस टीम को देखकर युवक बाइक वापस लेकर भागने लगे। तभी पुलिस टीम ने 500 मीटर तक इनका पीछा कर इनको पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान रोहन विजय और देशराज के रूप में हुई। इनके कब्जे से 3 किलो 930 ग्राम चरस बरामद हुई। यही नहीं, देसी तमंचा और कारतूस भी इनसे बरामद हुआ। बरामद चरस की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आती जा रही है। पकड़े गए युवकों पर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। आगामी 12 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। इसी क्रम में जो आपराधिक तत्व हैं उन पर रोकथाम, उनकी नकेल कसने के लिए जनपद पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में मल्लीपुर थाना की पुलिस जब कल रात्रि में चेकिंग कर रही थी अपने क्षेत्र में, तो उनके द्वारा 3 लोगों को पकड़ा गया। उन तीनों के पास से करीब 4 किलो चरस बरामद हुई है और 2 कट्टे बरामद हुए हैं। तीनों एक मोटरसाइकिल पर थे। इस प्रकार से आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है ताकि हमारी शासकीय जनपद की जनता चुनाव में आने वाले चुनाव में भयमुक्त होकर के मतदान कर सके।